पहला पॉइंट है, आपको हमेशा अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही फेस वॉश यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन ड्राई है एंड यू आर यूजिंग फेस वॉश फॉर ऑयली स्किन और फॉर किसी मतलब स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो। नहीं, आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही यूज करना है। इसको जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप है क्या, और हमेशा फेस वॉश को सर्कुलर मोशन में मसाज करना होता है इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ऐसे ही फिंगर्स हैं यहाँ से नहीं करते हैं, हमेशा ऐसे। एंड आप ऐसा फेस वॉश चूज करो जो कि इसमें पैराबिन ना हो, सल्फेट्स ना हो, सिलिकेट ना हो, मिनरल ऑयल ना हो, क्रुएल्टी फ्री हो, मतलब सब कुछ भी गंदे केमिकल्स ना यूज करे हुए। मैं यहाँ पे ये यूज करती हूँ, उसका रिव्यू मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, नहीं देखा जाके आप देख लेना। प्लीज वेट योर फेस, मैं ऑलरेडी फेस वेट करके आई थी, अभी तो ढंग से झाग नहीं बन पा रहा है, बट मैं आपको तरीका बता रही हूँ। जहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है ना पिम्पल पे, जैसे कि मतलब आप पिम्पल यहाँ पे आया है, तो आप ज़्यादा पिम्पल पे फोकस मत करो। इससे क्या होगा कि पिम्पल का जो इन्फेक्शन होगा ना वो आपके पूरे फेस से फैल सकता है, इसलिए जस्ट अवॉइड दैट एरिया जहाँ पे आपके पिम्पल है। और आपके पूरे फेस पर एक्ने है तो आप हल्के हल्के हाथों से मसाज करो, ऐसा नहीं कि रगड़ रगड़ के बस करते रहे, नहीं, हल्के हल्के हाथों से मसाज करना होता है। अब मैं आपको फेस वॉश करके दिखाने वाली हूँ, एंड आई हैव अ बिट ऑफ स्कार्स वगैरह ना थोड़े बहुत हैं यहाँ पे, लेकिन मैं हमेशा बेयर फेस ही आती हूँ। अभी मेरा फेस वेट है, बट गाइस ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, बहुत ही अच्छा मुझे ये लगा, एंड डिफरेंस आप देख सकते हो, मतलब पता है ग्लो देता है, बिकॉज एलोवेरा हमेशा आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, ग्लो देता है। जिन लोगों की स्किन डिहाइड्रेट हो रखी है गाइस, प्लीज गो फॉर दिस फेस वॉश। कोई प्रमोशन कोई कमीशन मुझे नहीं देना है, लेकिन फिर भी आई एम सेइंग इट। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।